बहनें थी, एक का नाम है चंपा और दूसरे का नाम है चंचला। दोनों बहनें अनपढ़ थी, ध्यान से सुनिएगा, दोनों बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी। और अक्सर यही होता है, जो अनपढ़ होते हैं भगवान अनपढ़ों को ही मिलते हैं, क्योंकि जो ज्यादा ज्ञानी हो जाता है फिर वो तर्क कुतर्क में लग जाता है, ये कैसे वो कैसे, और जो अनपढ़ होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वो सब कुछ मान लेते हैं। दोनों बहनें थी, भगवान से बड़ा प्रेम था उन्हें, बड़ी निष्ठा थी भगवान के प्रति, और दोनों बहनें सदैव आपस में बात किया करती थी, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। तो एक बहन कहती, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे। तो वृंदावन से उस पार रोज जाया करती थी, अपना कार्य किया करती थी। एक दिन रास्ते में बैठी ही थी, तब तक एक संत भगवान दिखाई पड़े। तो दूसरी बहन ने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान संत भगवान के झोले में मिलते हैं, उसी में ये लोग कुछ ना कुछ छिपा के रखे रहते हैं और भगवान उसी में मिलते हैं, इनके झोले में जरूर होंगे भगवान। संत भगवान अपना जो झोला लिए थे उस झोले को रखा और थोड़ी देर के लिए शौच में चले गए। जैसे ही झोला रखा, इन दोनों बहनों ने देखा कि बाबा जी के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया, तुरंत पहुंची झोले के पास और कहा, आज तो भगवान को ढूंढ के मानेंगे। संत भगवान के झोले में हाथ लगाया, कहीं तिलक पड़ा है, कहीं रोली पड़ा है, कहीं रक्षा सूत्र है, यही सब सारी चीजें थी। बहनें निराश हो गई, ये तो भगवान मिले ही नहीं इसमें भी, हम लोग को तो लगता था कि इस झोले में जरूर होंगे भगवान। तब तक एक छोटी सी डिब्बी दिखाई पड़ी और उस छोटी सी डिबिया को देखा तो उन बहनों ने कहा, अच्छा लगता है इसमें छिपे हैं ये। उस डिब्बी को निकाला और जैसे ही खोला तो जैसे आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं ना, वैसे उस डिब्बी में छोटे से बिल्कुल नन्हे से गोपाल जी रखे हुए थे। बहनें खुश हो गई, देखो भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। हम लोगों ने सही सोचा था कि भगवान झोले में ही होंगे, पर देखो भगवान मिल भी गए। पर देखो तो इनकी दुर्दशा क्या की है महाराज ने, बताओ इनको डिब्बे में बंद कर दिया है, चलने फिरने नहीं दिया। तो लड्डू गोपाल जी का हाथ टेढ़ा टेढ़ा, पैर टेढ़े टेढ़े। बहनों ने कहा, देखो इनकी ये स्थिति इन्होंने बना दी है कि बेचारे बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं, बड़ी दुर्दशा कर दी इनकी। उन बहनों ने गोपाल जी को उठाया और जो मक्खन लेके बेचा करती थी वही थोड़ा सा मक्खन बचा हुआ था, उसी मक्खन से क्या किया कि मालिश करना शुरू किया। भाव प्रधान है यहां। बहनों ने सोचा कि ठाकुर जी हमारे इतने दिन से इसमें पड़े पड़े ऐसे हो गए बिल्कुल टेढ़े से, इनको मालिश की जरूरत है, मालिश करेंगे तो शायद ये खड़े हो जाएं। अब बार बार कहती ठाकुर जी खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, ठाकुर जी तो सुन नहीं रहे, वो क्यों खड़े हो। बहनों ने कई बार भगवान से कहा पर भगवान खड़े नहीं हुए, और अंत में दोनों ने लेकर के ठाकुर जी को मक्खन से मालिश करना शुरू किया। हाथ पांव मालिश करने लगी और महाराज देखते देखते भगवान को भी रहा नहीं गया और भगवान गोपाल जी खड़े हो गए, एकदम सीधे हो गए। बहनें एकदम प्रसन्न हो गई, देखो हमारे गोपाल जी खड़े हो गए, हमारे गोपाल जी खड़े हो गए। उसी समय संत भगवान आए और जैसे ही संत भगवान को देखा वही रख दिया झोले में ही, पूरा सामान बिखरा पड़ा था। अब संत भगवान जो थे वो मौन रहते थे, उन्होंने देखा मेरा पूरा सामान बिखरा पड़ा है पर मौन है, बोल भी नहीं सकते हैं, अंदर ही भीतर क्रोधित हुए जा रहे। देखा तो गोपाल जी तो बिल्कुल सीधे हैं, खड़े हो गए ये तो। संत भगवान ने सोचा ये हुआ कैसे, ये तो टेढ़े थे, ये सीधे कैसे हो गए। देखते ही देखते वो बहनें देख रही हैं कहीं ये वापस स्पर्श करके फिर डिब्बे में ना बंद कर दे। और संत भगवान ने जैसे ही ठाकुर जी को स्पर्श किया
हाथों का स्पर्श होते ही ठाकुर जी वापस अपनी स्थिति में आ गए, वापस टेढ़े बन गए। संत भगवान की आंखों से आंसू निकल गए। प्रभु, इतने दिनों से मैंने आपकी सेवा की, आपकी पूजा अर्चना वंदना की, और अभी आप बिल्कुल सीधे हो गए थे और जैसे मेरे हाथों का स्पर्श हुआ आप टेढ़े से हो गए। भगवान आकर के वही दर्शन देते हैं। किसको दिया दर्शन? उन दोनों बहनों को दर्शन दिया। उन संत भगवान के जीवन भर की तपस्या से भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन उन दोनों बहनों के भाव पर भगवान प्रकट हो गए। तो कहने का अर्थ है कि भाव हमारा कैसा है, हम भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं, ये महत्व रखता है। हम कितने घंटे पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, ये मायने नहीं रखता। उस 10 मिनट की पूजा में आप कितने निष्ठावान हैं भगवान के प्रति, कितने समर्पित हैं, ये मायने रखता है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भगवान से सिर्फ प्रेम किया जाए। सारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, सारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि भगवान को पाने का मात्र एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वो है प्रेम। प्रेम किया जाए भगवान से। भगवान शंकर भी माँ भवानी को यही कहते हैं कि देवी, भगत प्रेम बस सगुण सो होई, वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में चला आता है, तो सिर्फ और सिर्फ भक्त के प्रेम के कारण।